तो दोस्तों दोस्तों हमें अगर आज कुछ सर्च करनी होती है तो हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐप्स डाउनलोड करनी होती है तो हम गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब भी कोई आप एंड्रॉयड मोबाइल खरीदते हैं ब्रांड न्यू, उसमें भी गूगल एक प्री इंस्टॉल्ड यूआई और प्री इंस्टॉल्ड ऐप के साथ ही आते हैं। उन ऐप्स को और उन यूआई को आप चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इंडिया के एंड्रॉयड मार्केट को गूगल बहुत ही एक्सटेंसिवली कैप्चर करके रखा है, लेकिन दोस्तों एक बात, इस हाईली एक्सटेंसिव मार्केट को गूगल मोनोपोलाइज कर रहा है। दोस्तों इस हाईली एक्सटेंसिव मार्केट को गूगल शायद कुछ इलीगल तरफ से भी कर रहा है। दोस्तों क्या आपने कभी सोच के देखी है कि गूगल इंडिया में इतना डोमिनेट कैसे कर पाई? जवाब है, थोड़ी बहुत इलीगल तरीके से। जी हाँ, सही सुने आप लोग, कम से कम गवर्नमेंट का तो यही कहना है। दोस्तों कुछ दिनों पहले इसी कारण में गूगल को कुछ बड़े बड़े फाइन्स लगे, और ये फाइन्स दिया गया है कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI के तरफ से। पिछले साल 20 अक्टूबर 2022 को CCI ने गूगल के ऊपर पूरा 137 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, और उसके ठीक बाद 25 अक्टूबर 2022 को पूरा 936 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की। इस पेनल्टीज के पीछे बस एक अहम कारण है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। दोस्तों ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है क्या, ये तो आपको वीडियो में आगे जाके पता लगेगी। दोस्तों इल्जाम ये है कि गूगल अपने प्रोडक्ट से इंडियन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों ये सारे एक्सप्लॉयटेशन में शामिल है एंड्रॉइड फोन कंपनीज जैसे कि Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo और बाद बाकी और भी जो एंड्रॉइड कंपनीज हैं। दोस्तों अब सवाल ये है कि ये एक्सप्लॉयटेशन आखिर हो क्यों रही है? दोस्तों एंड्रॉइड की बात करें और गूगल नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? दोस्तों इन सब को जानने से पहले हमको थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में जाननी पड़ेगी। दोस्तों गूगल जब से लॉन्च हुई है वो एक बहुत बड़ी कंपटीटर्स बनती आई है हर एक कंपनी के लिए। सर्च इंजन की बात करें तो गूगल 8 साल लेट था, वही भी अगर ईमेल सिस्टम की बात करें तो गूगल 33 साल लेट थी। दोस्तों गूगल का अगर किससे मेन कंपटीशन था तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों अगर मैं इस कंपटीशन के बारे में ब्रीफली बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप छोड़ के निकल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत आसान तरीके से समझते हैं। दरअसल जब हमारे रिसेंट सीईओ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई 2008 में क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करते हैं, तब माइक्रोसॉफ्ट की डोमिनेंस धीरे धीरे नीचे जाती रही। दोस्तों एंडी रूबिन जो कि एंड्रॉइड के फाउंडर हैं, वो गूगल को छोड़ के चले जाते हैं। एंडी रूबिन के जाने के बाद एंड्रॉइड का पूरा डिवीजन सुंदर पिचाई को दिया जाता है। अब जब ये चीज हुई तो जन्म हुई एंड्रॉइड 1 की। उसके बाद से एंड्रॉइड में जितने भी फोन लॉन्च होते हैं उसमें गूगल प्री इंस्टॉल्ड ऐप बन के आती है, इसीलिए गूगल की मार्केट में डोमिनेंस और भी ज्यादा बढ़ गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डोमिनेंस सही रास्ते पे हो रही थी? दोस्तों गूगल की एक शॉर्ट एक्सप्लेन्ड हिस्ट्री के बाद आपको अब ये समझने में आसानी होगी कि एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस आखिर है क्या। दोस्तों एलिगेशन ये आए हैं कि गूगल अपने प्ले स्टोर बिलिंग सिस्टम और एंड्रॉइड ओएस से एंड्रॉइड मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। CCI के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि गूगल फोन कंपनीज को एक फिशी एग्रीमेंट साइन करवाता है। उस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद फोन कंपनीज को गूगल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप उनके मोबाइल में डालना ही पड़ता है, और ये हम खुद भी देखते हैं कि हम जब भी कोई नया एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं तो गूगल के कुछ ऐप्स उसमें पहले से ही घुसा दिया रहता है, जिसे हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि उस एग्रीमेंट्स में आखिर होता क्या है। दोस्तों उन एग्रीमेंट्स में से सबसे मेजर एग्रीमेंट है क्लैंडेस्टाइन एग्रीमेंट विद OEMs। तो ये है कि अगर कोई फोन कंपनीज अपने फोन में एंड्रॉइड OS को इंस्टॉल करना चाहती है तो उनको एक MADA एग्रीमेंट को साइन करनी होती है। उस एग्रीमेंट्स में ये साफ साफ लिखी होती है कि अगर आपको मोबाइल में एंड्रॉइड इंस्टॉल करनी है तो GMS यानी गूगल मोबाइल सूट को प्री इंस्टॉल्ड रखनी होगी आपके मोबाइल में विदाउट अनइंस्टॉल ऑप्शन। कुछ दिन पहले MADA एग्रीमेंट्स के कुछ पहलू लीक हो गए। सबसे पहले गूगल उन मैन्युफैक्चरर्स को कुछ चीजें करने को रोकती है जिससे एंड्रॉइड को खतरा हो सके। बेसिकली अगर इसको आसान भाषा में समझे तो इसको एंड्रॉइड फोर्क बैंड भी कहते हैं। और दूसरा ये है कि गूगल के ऊपर पहली बार जब 136 करोड़ की पेनल्टी लगी, इल्जाम ये था कि गूगल अपने सेल फोन्स में गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजिन बना के इंडिया में मार्केट को खत्म कर रही है। और तीसरे में ये था कि गूगल अपने यूजर के डेटा को अपने पास रखते हैं और इसको भेजा जाता है OEM की तरफ से। और चौथे में ये मेंशन थी कि गूगल उन मैन्युफैक्चरर्स को उन वर्नेबिलिटीज ऐप्स को या वायरसेस ऐप्स को उन फोन्स में नहीं इंस्टॉल करने देती। इससे यही होगा कि अगर आपको कोई ऐप्स या गेम्स को इंस्टॉल करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ब्राउजर का इस्तेमाल करके भी इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों जब भी ये आप करने जाएंगे तो गूगल की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपको इस ऐप से आपके मोबाइल में खतरा हो सकती है, और आप डर के कारण डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। दोस्तों आप सबसे आखिर में स्मार्ट टीवी एग्रीमेंट को समझते हैं। दोस्तों इस एग्रीमेंट को समझने से पहले आपको एक स्टैटिस्टिक्स में ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि 2018 और 19 में जितने भी स्मार्ट टीवी सेल हुए हैं उसमें से 10 में से 8 ही एंड्रॉइड टीवीज हैं। इसमें गूगल उस हर एक टीवी मैन्युफैक्चरर को एक एग्रीमेंट साइन करवाता है इस बात पे कि उनके टीवी में एंड्रॉइड OS के अलावा कोई भी और OS इंस्टॉल नहीं हो सकती। चलिए इस एग्रीमेंट को थोड़ा बहुत और शॉर्ट में समझते हैं। तो चलिए इस बारे में OnePlus कंपनी को ही लाते हैं जो एंड्रॉइड फोन और एंड्रॉइड टीवी दोनों ही बनाते हैं। तो इस एग्रीमेंट के बाद OnePlus अपने टीवी में एंड्रॉइड OS के अलावा और कोई OS को इंस्टॉल नहीं कर पाएगी।
मान लीजिए OnePlus को लगा कि उनके टीवी में Amazon Fire TV Stick लगाएंगे। अगर OnePlus ये करते हैं तो वो अपने Android मोबाइल में Google Play Store प्री इंस्टॉल ऐप नहीं रख पाएंगे, जिसे टीवी और मोबाइल सिंक ही नहीं हो। दोस्तों इन सब के बाद आपको लग ही रहा होगा कि एंटी कम्पिटेटिव प्रैक्टिस आखिर है क्या। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले हमको कुछ और चीज जाननी पड़ेगी कि पानी आखिर गई कहां तक, क्या गूगल अपने मार्केट में ऐसे डोमिनेंस बनाए रख पाएगी। दोस्तों बात करते हैं 25 जनवरी 2023 की गूगल की एक प्रेस रिलीज हुई। उन प्रेस रिलीज में उन्होंने ये बोला कि इंडिया की तरफ से जो एलिगेशंस उनके तरफ आए हैं उनके मानने के बिना उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, उनका रास्ता सब ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। उन्होंने ये भी कहा कि उनको अब अपने एंड्रॉइड में कुछ चेंजेस लानी ही पड़ेगी, तो अब बहुत ही जल्द एंड्रॉइड प्री इंस्टॉल्ड ऐप सर्च टूल्स सब कुछ चेंज होने वाले हैं। दोस्तों आइए जानते हैं छोटा सा कि आखिर चेंज होने क्या वाला है। दोस्तों ये रहा गूगल के सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो आपके मोबाइल में पहले से ही घुसा दिया जाता है, जिसे आप चाहकर भी नहीं अनइंस्टॉल कर पाएंगे, उसे अब गूगल को हटाना ही पड़ेगा। आसान तौर पे समझे कि आप अभी अपने तरीके से मोबाइल को इस्तेमाल कर पाएंगे, उस ऐप्स को इंस्टॉल भी कर पाएंगे और अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। दूसरा, गूगल का जो सर्च बार आता है उसे भी अब गूगल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि जब गूगल प्री इंस्टॉल्ड सर्च इंजिन बने ही रखेगा तो कोई और सर्च इंजिन को क्यों इस्तेमाल करेंगे लोग। अब मोबाइल यूजर्स खुद चूज करेंगे कि उनको कौन सा सर्च इंजिन इस्तेमाल करना है। सिर्फ यही नहीं, हम अब अपने मोबाइल में कौन सा OS रखना है वो भी हम लोग चूज कर पाएंगे। गूगल को ये बताया गया है कि गूगल अपने मैन्युफैक्चरर्स को ये बताए कि अपने अपने मोबाइल में अपना ही OS को अप्रूव करना होगा। आसान तरीके से समझे कि गूगल अपने मैन्युफैक्चरर्स को अब कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करने दे सकती। मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को गूगल के उन प्री इंस्टॉल्ड ऐप को अननेसेसरीली उनके मोबाइल में नहीं डालनी पड़ेगी। गूगल को यह भी बताया गया है कि वो अपने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम GBPS में बदलाव लानी पड़ेगी। एलिगेशन ये था कि गूगल की वजह से, गूगल के कुछ ट्रिक्स की वजह से लोग गूगल पे के अलावा और कोई ऐप को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल गूगल ने जीपे को ISM यानी इंटेंट फ्लो मेथड प्रोवाइड करके रखी और बाकी पेमेंट्स ऐप को गूगल के टर्म्स के बदौलत उनको CFM यानी कलेक्ट फ्लो मेथड को मानना पड़ रहा था। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एक सिनेमा टिकट बुक कर रहे हो ऑनलाइन, जब पेमेंट सेक्शन में देखते हो आप गूगल पे लिखा रहता है, जब उसमें आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली गूगल पे में एंटर करते हो, बिल डालने के बाद डायरेक्ट आपके झटाक से आपका पेमेंट हो सकता है। वहीं पे जब आप दूसरे पेमेंट्स ऐप को इस्तेमाल करते हो तो आपके पास एक वेटिंग पेज ओपन होके आएगी और उसको अलग से आपको पेमेंट ऐप को खोलने के बाद पेमेंट को अप्रूव करके पिन डाल के फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि एक बहुत ही बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, सभी को यही लग रहा है। इसीलिए हमारे बीच 80% लोग गूगल पे ही को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें से 20% लोग अलग ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उन अलग ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल उनसे 30% कमीशन चार्ज करते हैं। सो फाइन के बाद गूगल अब उन ऐप्स के ऊपर भी IFM को चालू करने वाला है। मीन्स अब आप खुद चूज कर पाएंगे कि आपको कहां से पेमेंट करनी है, कहां से आपको वो ऐप डाउनलोड करनी है। मीन्स यूजर को एक इंडिपेंडेंट मोड ऑफ ऑपरेशन दिया जाएगा। लेकिन एक सेकंड, क्या गूगल इन सबको मान लेगी? जवाब है नहीं। दोस्तों इन सब के बाद गूगल ने सुप्रीम कोर्ट और NCLAT में भी उल्टा केस कर दिया। NCLAT ने 4 जनवरी 2023 को इस अपील को रिजेक्ट कर दिया और गूगल को ये बताया कि उनको 10% पेमेंट करना होगा उनके फाइन का। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गई तो एक अलग ही मोड़ सामने आ गई। दरअसल ये सामने आई कि गूगल सिर्फ इंडिया के लिए ये स्पेसिफिक है, जब सेम एलिगेशंस उनको यूरोप और साउथ कोरिया के तरफ से आया तो वो 2 दिन के अंदर पेमेंट भी करवा दी और फाइन क्लियर भी करवा दिए। क्योंकि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो गूगल फाइन भरने से इनकार कर रहा है। तो फिर आखिर में जाके 19 जनवरी 2023 को गूगल के अपील को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है और फाइन भरने के लिए कहता है। क्योंकि गूगल इंडियन OS मार्केट को लीड करता है तो भारत सरकार को लगा कि गूगल एक अलग गेम खेल सकता है यहाँ पे, तो हमें भी एक प्लान बी का भी इंतजाम करके रखनी पड़ेगी। तो भारत सरकार को ये ध्यान में रखते हुए 19 जनवरी 2023 को लॉन्च हुई भार OS। ये दरअसल इंडिया की खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम है। भार OS के ऊपर अभी तो काम चल रहा है, ये सिर्फ अभी लॉन्च हुआ है डिफेंस ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंडिया में जितने भी फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि चाइना क्या इंडिया के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने देंगे? तो इस सवाल का जवाब तो आपको फ्यूचर में मिलेगी, लेकिन इस सवाल का जवाब का एक ऑप्शन है, इंडिया को खुद को अपने मोबाइल को मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। भार OS के बारे में थोड़ा सा छोटे से जान लेते हैं। भार OS दरअसल यूजर इंडिपेंडेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे आप कहीं पे भी कहीं से भी एप्स को डाउनलोड कर पाएंगे। आप खुद से ये भी चूज कर पाएंगे कि आपको कौन सा सर्च टूल इस्तेमाल करना है। दोस्तों जो डिपेंडेबल हम लोग गूगल के ऊपर हो गए हैं उससे हटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट हम लोग को कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगी। तो आई होप आपका बहुत हद तक डाउट सॉल्व हुआ होगा। अगर हुई है आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में बताएं, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।